देखो ये कर रहे थे हम लोग ना, देखो ये आपका 2 ओम का है, ठीक है। अब देखो अगर थोड़ा सही से बना लो तो आपको दिखेगा ये वाली बैटरी, इसको भी आप उधर ही कर सकते हो। तो देखो कैसे, ये वाला जो सेल है और ये वाला जो सेल है, दोनों को एक तरफ कर देते हैं। देखो करने के बाद क्या होगा, ये है आपका 2 ओम का रजिस्टर हो गया, ठीक है, और इधर आपका हो गया एक बैटरी 1 वोल्ट 3 ओम रजिस्टर की, एक और इसका 1 वोल्ट 3 ओम की रजिस्टर की हो गई, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका 2 वोल्ट 4 ओम का, लेकिन उल्टा लगा हुआ है, एक लगा हुआ है बी की तरफ और दूसरा लगा हुआ है डी की तरफ, डी की तरफ 1 वाला है, बी की तरफ, ये हो गया आपका बी की तरफ 1 वाला और डी की तरफ, ये हो गया ना डी की तरफ आपका है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट 4 ओम का, और ए की तरफ डी की तरफ आपका है 1 वोल्ट 3 ओम का। तो बी की तरफ हो गया आपका, ये हो गया आपका बी, ये हो गया डी, 2 वोल्ट 4 ओम, 2 वोल्ट 4 ओम, ये है 2 वोल्ट 4 ओम, ठीक, और इसी पे एक लगा हुआ है 1 वोल्ट 1 वोल्ट और 3 ओम, ठीक है, क्लियर है, चलेगा। तो यस सर। अगर हम ऐसे कर दें, इसे 1 वोल्ट वाले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, इसे 1 वोल्ट वाले को हम ऐसे कर दें, देखो इधर हमने जब, अच्छा ये देखो, ये दोनों जो सेल हैं, ये वाली, ये दोनों जो सेल हैं, ये सेल पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है, यस सर। ठीक है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन पैरेलल में तो है, लेकिन ध्यान से देखो अगर, तो एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे वाले सेल के निगेटिव टर्मिनल से है कनेक्टेड, ऐसे हैं? वहां क्या था, पॉजिटिव के साथ था, निगेटिव का निगेटिव एंड पे था, था कि नहीं था? तो क्या करें अगर हम इसे ऐसे कर रहे हैं रीअरेंज, देखो इसे हमने ऐसे कर दिया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये रेजिस्टेंस, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी सेस, और ये रेजिस्टेंस आपका है एक्सटर्नल 2 ओम का, ये हो गया बी, ये हो गया डी। अब देखो ये वाला हो गया 3 ओम, ये 1 वोल्ट, इस ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव, हमने उल्टा कर दिया तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या ये -1 वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ? यस सर। -1 वोल्ट, ठीक है, और ये वाला कितना है 2 वोल्ट, और ये आपका है 4 ओम। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल, इस इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लेते हैं, कितना इफेक्टिव ईएमएफ होगा, तो बोलो कितना इफेक्टिव ईएमएफ होगा, इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? वो इफेक्टिव ईएमएफ 2 का होता है E1R2 + E2R1/R1R2 ना, आई लाइक दैट, यस सर, सॉरी, E1R2 + E2R1/R1R2, यस सर, E1 कितना है -1, -1 क्यों? क्योंकि वो उल्टा कनेक्टेड था उससे, तो ये हो जाएगा -1 × क्रॉस प्रोडक्ट इसका, ये कितना है 4, -1 × 4 + 3 × 2 / दोनों का इक्विवेलेंट कितना, सॉरी दोनों का सम R1 + R2 कितना हो गया 7, ये हो गया 2/7, ये कितना हो गया 2/7 वोल्ट,
ये इफेक्टिव ईएमएफ हो गया, ठीक है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। यस सर। और वही इसके क्रॉस भी होगा। यस सर। बीडी के क्रॉस। तो जो करंट फ्लो होगी, अब इन दोनों को हटाओ और एक सिंगल उससे बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो हटाया और सिंगल बैटरी से कनेक्ट किया, जिसका इफेक्टिव ईएमएफ हो गया कितना, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 × 12 / 4 × 7 हो जाएगा। तो एक बैटरी हमने लगाया जिसका इफेक्टिव ईएमएफ है 2/7 volt और इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 × 12 / 4 × 7, 12/7 ohm, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ohm का, ठीक है। इसमें से करंट कितना फ्लो हो रही है, मान लो आई, इसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, पी और डी के क्रॉस। तो मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, इधर से इधर चला दो, आई करंट फ्लो हो रही है, ये इधर से आई करंट फ्लो हो रही है, तो पहले आई की वैल्यू निकालोगे तभी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। आई कितना हो जाएगा बोलो, आई इज इक्वल टू हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव ईएमएफ है 2/7 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 + 12/7 होगा, 2 + 12/7, तो ये हो जाएगा 7 × 14 = 12, 14 × 12 = 26/7, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2/26 एम्पियर, चलेगा। ये हो गया करंट, क्या हो गया करंट, इफेक्टिव ईएमएफ इसके क्रॉस जो होगा बी और डी के क्रॉस, वही तो इसके क्रॉस भी होगा, तो बी और डी के क्रॉस जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा, सॉरी इफेक्टिव ईएमएफ कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू ई इफेक्टिव माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यही तो होता है मेरे बच्चे। तो बताओ ई इफेक्टिव कितना है, 2/7, 2/7, ठीक है, 2/7 चलेगा क्या, ठीक है। माइनस आई, आई कितना है आपका, 2/13 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 12/7, ठीक है, इसे 2 से काट दो, ये हो गया 13, इसका इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा, 13/7 = 91 तो 91 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 13 = 96 ये हो जाएगा 26 − 12 कितना आया, 14 × 90 ये 14 आ गया, 14 upon 91 है, yes, sir. तो 14 upon 91 मतलब 7 × 14 = 7 × 13 = 91 मतलब ये जाएगा 2/13 volt कितना आया,
2/13 volt यही आंसर है। दूसरा तरीका इसका, यहाँ यहाँ निकाल लो, इसमें इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चलो भाई हटो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इसके अक्रॉस भी होगा। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है I, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई कितना है आपका 2/26, आर कितना है 2, यस सर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा, दूसरे वाले से कर लो अगर सेकंड से आर करके, तो नीचे वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा सीधा सीधा आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई कितना है आपका 2/26 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका 2, तो 2 × 13 = 26, तो कितना आया 2/13 volt। ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन एडवांस। अब आपसे इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल्स जी एंड एच, जी और एच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, जी और एच के अक्रॉस, देखो जी और एच कहाँ है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस जी एंड, तो जी और जी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकाल दो और एच के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकाल दो। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसके अक्रॉस पूछ रहा है और इसके अक्रॉस, लिख लो क्वेश्चन को, लिखो क्या कह रहा है, लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल्स जी एंड एच, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल्स जी एंड एच, मतलब आपको निकालना है इस डीसी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस बीसी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब आपको करंट सर्किट में पता चल गई, किसमें पता चल गई, करंट कहां सर्किट में, तो करंट अगर सर्किट में आपको पता चल गई जो कि 2/13 है, तो यहां से चलते हैं 2/13, सॉरी वोल्टेज पता चल गया और करंट भी पता चल गया 1/13 है, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं। देखो अब यहां से करंट आ गई 2/13 का, देखो इधर, सॉरी 2/13 कर रहा हूं, 1/13, यहां से करंट आई 1/13 एम्पियर की, आई कि नहीं आई, ठीक है, और यहां आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां का कितने का है, यहां का टर्मिनल पोटेंशियल अभी आपने निकाला 2/13 volt का है, टू बाई थर्टीन का अगर यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब है 2/13 का यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, नहीं आया बात समझ में, यस सर आया, ठीक है, 2/13 का यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यस सर, तो 2/13 का अगर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किसी एक पे, यहाँ मान लो यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2/13 का है, यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का 2/13 का है, तो 2/13 से चलते हैं और करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है ये लोअर पे है और ये हायर पे है, ठीक, तो देखो यहां से चलो ये वाला पॉइंट आप एज्यूम कर लो, ये वाला इसका इक्विवेलेंट ये बनाया था ना हम लोगों ने, ओके अच्छा ये बनाया था, ठीक है, तो यहाँ एज्यूम कर लो कि ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल भी डी पे है और ये वाला बी पे है, ठीक है ना, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 2/13 है, ठीक है, तो इसमें करंट मान लो कि आई वन फ्लो हो रही है ऐसे, और इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई टू ऐसे, ऐसे डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन आप जैसे भी चूज करना चाहो कर सकते हो, तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें करंट आई वन फ्लो हो रही है, तो इधर से चली करंट यहां पहुंच रही है डी से किधर की तरफ, बी की तरफ, और पोटेंशियल डिफरेंस है 2/13 का,
तो 2/13 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें करंट निकाल लो। तो करंट कितना हो जाएगा, देखो करंट I1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितना हो जाएगा करंट I1 की वैल्यू, देखो 2/13, D से चलो B पे पहुंच जाओ, तो VD माइनस प्लस 2 माइनस करंट की डायरेक्शन में I1 into 4 इज इक्वल टू VB। तो VD माइनस VB कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 प्लस 4 I1, तो माइनस 2 प्लस 4 I1 हो गया। या I1 की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो I1 की वैल्यू हो जाएगा VD माइनस VB, I1 की वैल्यू हो जाएगा, यहां से देखो I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, I1 की वैल्यू हो जाएगा VD माइनस VB, VD माइनस VB इज इक्वल टू सॉरी VB BD माइनस VB प्लस 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 2 इज इक्वल टू 4 I1। I1 हो जाएगा आपका VD माइनस VB, VD माइनस VB मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था 2/13 का, तो 2/13 प्लस 2, 13 दुना 26 दो 28, 28/13 वोल्ट, सॉरी 28/13 डिवाइडेड बाई 4, और भी तो होगा, ये 4 I1 की वैल्यू आई है, किसकी 4 I1 की, तो 2/28/13 वोल्ट हो गया। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा बच्चे 28/13 into 4, 4 × 28, 7/13, ये हो जाएगा 7/13 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है, किसमें, जिसका इफेक्टिव 2 वोल्ट आया था, जिसका इफेक्टिव कितना आया था 2 वोल्ट, किसका इफेक्टिव 2 वोल्ट आया था, ये आया था G और H का, आया था कि नहीं आया था, तो G और H में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, देखो तो G और H का इफेक्टिव 2 वोल्ट आया था ना ये वाला, तो G और H में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी और किस डायरेक्शन में हो रही होगी, वो इस डायरेक्शन में हो रही होगी I1 करंट, और वो है 2/13 वोल्ट, सॉरी 2/13 एम्पियर, यही तो निकाला आपने करंट, सॉरी 7/13 एम्पियर करंट आई, 7/13, ये 7/13 करंट मतलब I1 की डायरेक्शन ये होगी, और यहां भी उतना ही फ्लो होगा, होगा कि नहीं, तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कितना होगा VD माइनस VC निकालो, देखो कितना हो जाएगा VD माइनस VC, तो VD यहां से चले प्लस 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 3 ओम है, तो ये हो जाएगा माइनस I1 इनटू 3 इज इक्वल टू VC, ये हो जाएगा आपका VD माइनस VC इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 I1 प्लस 3 I1, कितना आया बताओ, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7/13, 13 × 39 प्लस 21 कितना हो गया, माइनस 39 प्लस 21 कितना हुआ भाई, माइनस 39 प्लस 21, माइनस 39 प्लस 21 कितना हो गया 18, अरे बोलो माइनस 18, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 13, तो जो VD माइनस VC है 18/13 आ रहा है, बोलो 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 बोलो, अच्छा मेरा 11/39 आ रहा है, 11/13 13 × 39 = 21 माइनस 18/13 कितना आ रहा है भाई VD माइनस VC,
VD माइनस VC G के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, G के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उल्टा का मतलब डायरेक्शन ये हो जाएगा, लेकिन G के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना तो चाहिए। कितना आ रहा है भाई विस्कॉन किया तुमने? नहीं किया। G के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, G के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। G मतलब इसके क्रॉस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? B से चलो C पे पहुंच जाओ। अरे यही तो होगा, यह सर यही होगा है? सर कहीं ये 3 वोल्ट था सर, वो तो 1 वोल्ट था मेरे हिसाब से। कौन सा वाला? जी वाला, जी वाला। जी वाला कितना था? 3 वोल्ट है ना? अच्छा 1 वोल्ट था सर, वो 1 वोल्ट 3 ओम आपने वो 3 वोल्ट लिख दिया। कौन सा 1 वोल्ट 3 ओम? ये वाला? यस सर। यार इसका इफेक्टिव तो 2 आएगा, नीचे वाला ही तो है। ये तो मैंने किया, वो ऊपर वाला है 1 वोल्ट 3 ओम का, वो अलग है। नीचे वाले की बात मैं कर रहा हूँ। यार इफेक्टिव आया था 2 वोल्ट 4 ओम का, 2 वोल्ट 4 ओम चूंकि ये किसमें है, सीरीज में है ना? Yes, तो सीरीज में करंट की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, जितनी यहाँ करंट फ्लो होगी उतनी ही तो यहाँ होगी। Yes, sir. और यहाँ कितनी हो रही है देखो ध्यान से थोड़ा, यहाँ देखो हम लोगों ने करंट निकाला था, यहाँ यही तो है आपका BD और yes, यही sir. आपका 2 वोल्ट है 4 ओम है, तो 2 वोल्ट 4 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 वोल्ट 4 ओम में करंट फ्लो हो रही है 7/13 एम्पियर। यहाँ से यहाँ कितनी है? 7/13 एम्पियर है, तो 7/13 है, इसका मतलब इसमें भी तो 7/13 ही फ्लो हो रही होगी। yes, अब इसमें 7/13 फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके बी तक 7/13 ओम फ्लो हो रही है। तो पीछे चलते हैं, यहाँ देखो इसका मतलब है डी से लेके बी तक इस डायरेक्शन में 7/13 हो रही है, तो यहाँ 7/13 हो गया, सॉरी यहाँ 7/13 हो गया। ये देखो ये आपका करंट हो गया 7/13 एम्पियर, ठीक है? अब 7/13 हो गया तो इसका जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। अब डी से चलो और सी पे पहुंच जाओ, इसी के क्रॉस तो पूछ रहा है आपसे, तो इसके क्रॉस पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वीडी वीडी यहां से यहां गए 3+3 और करंट की डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो -3I1=VC, तो वीडी माइनस वीसी हो जाएगा -3+3I1 तो ये हो जाएगा 13 × 39 और प्लस 7³ 21 ये हो जाएगा -18/13 इसका मतलब है वीसी बड़ा होगा वीडी से, ये हो जाएगा 18/13 वोल्ट आना चाहिए। और यहां देखो यहाँ कितना हो जाएगा? वही करंट फ्लो होगी, तो वही अगर करंट फ्लो होगी तो इधर देखो वोल्टेज, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा सेम करंट फ्लो होगी, तो यहां से चलो यहां पहुंच जाओ तो वीसी ये हो जाएगा प्लस से -1, ठीक है? और वन ओम में करंट है, ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ
आई वन इंटू वन बराबर वी बी, तो वी सी माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी बी हो जाएगा आपका वन प्लस आई वन, आई वन कितना है आपका 7/13, yes, sir. तो 13 × 13 = 20, 20/13 वोल्ट। आंसर का एक एक का डिफरेंस आ रहा है भाई, आंसर इनका 21/12 वोल्ट, 21/13 वोल्ट है और 19/13 वोल्ट है। हमारा कितना रहा 18/13 और 20/13। ऐसे टेल टेल हाउ हाउ ठीक है देखना, yes, और ये सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। बाकी करंट तो ठीक ही निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल के क्रॉस वही था, ठीक है क्लियर है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज ऑफ ईच ईएमएफ V1 एंड V2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 रिस्पेक्टिवली विद पोलैरिटीज एज शोन इन फिगर। ऐसे लगाया गया है, ऐसे लगाया गया है बैटरी को, देखो टर्मिनल ए टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए हो गया, इससे दो बैटरी कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है आपका, ये है आपका R2 और टर्मिनल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है V2, ये है आपका R1 और ये V1, पोलरिटी डिफरेंट कर दी गई है। अगला क्वेश्चन यही है, देखो ये टर्मिनल ए ये टर्मिनल बी, ये R1 ये V1 ये R2 ये V2, इसका पूछ रहा है कि AB के क्रॉस इफेक्टिव EMF कितना होगा, AB के क्रॉस इफेक्टिव EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव EMF अक्रॉस AB, इंटरनल EMF एंड इंटर सॉरी इफेक्टिव EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, A पॉजिटिव टर्मिनल पे है, B निगेटिव टर्मिनल पे। A पॉजिटिव टर्मिनल पे है, V नेगेटिव टर्मिनल, तो इफेक्टिव EMF बताना है, और इफेक्टिव EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल, इफेक्टिव EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल, तो माइनस V2 R1 प्लस V1 R2 अपन R1 प्लस R1 हैं, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, अरे यार पोलैरिटी इनकी क्या है, डिफरेंट उल्टी हो गई है, क्या कर दो, एक को उल्टा करके एक जो जो टर्मिनल पॉजिटिव पे उसे निगेटिव कर लो, जो निगेटिव पे उसे पॉजिटिव कर दो। यस सर, नहीं आई बात समझ में, आई सर, ठीक है ना, यस सर। तो देखो क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इस वाले के रेस्पेक्ट में निगेटिव होगा ना, यस सर। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा बोलो, इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा आपका V1 R2 माइनस V2 R1 माइनस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन, वो तो आपका होता ही है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही है और कुछ नहीं है।
चला जाए आके लिखो, आगे चलते लिखो बीट स्टोन ब्रिज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देते हैं आपको इसे। बीट स्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक अरेंजमेंट है चार रजिस्टर का। किसका? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर। अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर, कितने रजिस्टर का अरेंजमेंट है ये? फोर रजिस्टर का अरेंजमेंट है, जिसको ऐसा बनाया जाता है जैसे कि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हो जाए। ऐसा रखा जाता है इन रेजिस्टेंस को जैसे कि वो बिजली क्या हो जाए, स्ट्रक्चर हो जाए। उन चारों रजिस्टर में से तीन रजिस्टर्स नोन होंगे, एक अननोन होंगे। तो जो अननोन रजिस्टर है ना, उसी को फाइंड आउट करते हैं। इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रजिस्टर्स इन दैट फोर रजिस्टर्स। उन चारों रजिस्टर्स में जो अननोन रजिस्टर है उसको क्या करते हैं हम लोग? फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग What? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो इधर लिख लो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रजिस्टर। यह चार रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। उनको इस तरीके से रखा जाता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाए, एज ए ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे पुल बनता है वैसा। ठीक है, उन चारों रजिस्टर्स में एक रजिस्टर्स अननोन होगा जिसको फाइंड आउट किया जाता है, बाकी तीन रजिस्टर नोन होते हैं। ठीक है, देखो चार रजिस्टर्स का ये हो गया एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर और ये चौथा रजिस्टर। ठीक है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। पी क्यू आर एस चार रजिस्टर हैं। ठीक है, ठीक है, इन चार रजिस्टर में ये देखो चार रजिस्टर हो गया। इन चार रजिस्टर में जो S है वो अननोन है और P और Q और R क्या है? नोन। ठीक है, अब क्या किया, इनको एक गैल्वेनोमीटर, क्या चीज? गैल्वेनोमीटर है, उससे कनेक्ट कर दिया गया। गैल्वेनोमीटर आईजी ना कह लो, आईजी इज द करंट इन दैट गैल्वेनोमीटर। जी गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर क्या है? डिवाइस है। ठीक है, उसे यहां यूज कर दिया गया और यहाँ पे ये उसका सर्किट है, ऐसा बना रहा हूं मैं। और यहाँ एक बटन है, स्विच है, जिसको आप कह लो ऐसा स्विच बना देते हैं ऐसे ऐसे। ये हो गया स्विच, ये हो गया स्विच ऐसे। ये टर्मिनल आपका है ए, ये है आपका बी, ये पॉइंट सी है और ये डी। ठीक है, इस ए बी के क्रॉस हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी। इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है। इस बैटरी का ईएमएफ है ई। इस ए बी के क्रॉस हमने बैटरी लगा दी, इस बैटरी का ईएमएफ है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर
होता है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें चार रजिस्टर है, पी क्यू आर एस। जो अननोन रजिस्टर है उस अननोन रजिस्टर को हम तीन जो नोन रजिस्टर है उस टर्म में लिखते हैं, उस टर्म में हम उसको क्या करते हैं लिखते हैं, जो नोन है उसके टर्म में चौथे वाले अननोन का अननोन को लिखते हैं। तो देखो ये हमारा है स्विच, ये वाला ये स्विच, मान जो गैल्वेनोमीटर लगा है ना, उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि जी है। क्या है? जी, लिख लो, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी ऑफ गैल्वेनोमीटर मीटर इज जी। ठीक है, अभी बताओ अगर हम यहां बैटरी से बैटरी को कनेक्ट कर दिया, करंट दे रहे हैं, तो क्या ये सर्किट में करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी, बिल्कुल होगी। हमने सर्किट में करंट दिया ऐसा, यहां हमने करंट, मान लो यहां हमने करंट दिया, ये बैटरी है, इस बैटरी ने आई करंट दिया और वो आई करंट इधर इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गई, इस ब्रांच में फ्लो होना शुरू हुई। तो मान लो इस ब्रांच में आई वन करंट गई और इसमें आई, अब यहां से आई वन ये निकली, इस ब्रांच में करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? इस ब्रांच में पी से टी तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगी। कहां से कहां चली जाएगी? ये आई वन जो निकलेगी बी से होते हुए सी तक पहुंच जाएगी, इधर रास्ते से पहुंचेगी। और ये आई टू जो यहां से निकलेगी जो है आर टू से होते हुए एस से होते हुए इधर पहुंच जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को। कनेक्ट करने का मतलब स्विच को क्या कर दिया? क्लोज। क्लोज, जब हम की क्लोज करते हैं तो की क्लोज करने से क्या होगा, की क्लोज करने से क्या होगा, जैसे ही हमने की क्लोज किया, क्या अब ये करंट जो यहाँ फ्लो हो रही है, क्या अब वो करंट इस गैल्वेनोमीटर से भी पास होना शुरू हो जाएगी कि नहीं होगी? यस सर। तो मान लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास हुई, कितनी आईजी, आईजी करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास हुई। तो जब इस गैल्वेनोमीटर से, अब यहां से देखो, यहाँ करंट आई वन आई, यहाँ पहुंची बी पे, तो बी पे जैसे ही पहुंचेगी क्या अब वो ये आई वन करंट डिवाइड होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो अब इधर अगर जी आई जी चली आई करंट, तो इधर कितना बची, आई वन माइनस आई जी बची कि नहीं? यस सर। अच्छा, इधर से आई टू आ रही है, आई टू आ रही है, देखो इधर से आई जी आएगी, यहाँ से आई जी, तो यहाँ जब चलेगी करंट तो क्या यहाँ आई जी प्लस आई जी प्लस आई टू होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है, और यहाँ दोनों मिलकर फिर इधर क्या हो जाएंगे? आई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब जो अननोन रजिस्टर है, अननोन रजिस्टर देखो, अननोन रजिस्टर कौन सा है? एस। अननोन रजिस्टर कौन सा है? एस। एस अननोन है, पी नोन है, क्यू नोन है, लिख लो, पी नोन, क्यू नोन, एस अननोन, हमें नहीं पता, और जो आर है ना, आर लिखो, आर
और एक एडजस्टेबल रजिस्टर है जिसको आप कहते हो वेरिएबल रजिस्टर। ये अगर आप लोग ट्वेल्थ में या ये जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में गए हैं इनको प्रैक्टिकल कराया जाता है इसी पे। वहां एक किट होती है रजिस्टर किट। रजिस्टर किट क्या होती है कि एक्चुअली वहां जो रजिस्टर किट होती है ना उससे क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स उसको कहते हैं। आप जाओगे अपने स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें वेरिएबल तरीके तरीके के मतलब हर तरह के रेजिस्टेंस लगे होते हैं या हर तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। तो जैसे आपको 2 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो 2 ओम वाला खींच दोगे आप वहां से बाहर निकाल दोगे उस बॉक्स से तो समझ लो कि आपका जो रेजिस्टर आपका जो सर्किट है वो 2 ओम से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 3 ओम रेजिस्टर चाहिए तो 3 ओम का वहां से ना स्विच निकाल दोगे या वहां से जो एक की होती 3 ओम की वो निकाल दोगे तो वो पूरा जो सर्किट है आपका 3 ओम से कनेक्टेड हो जाएगा। उसी को कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। तो ये जो आर है ये आर वेरिएबल रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है? वेरिएबल। तो लिख लो ये आर वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल है लेकिन एक कोई इसकी फिक्स वैल्यू होगी। कोई फिक्स वैल्यू कब मिलेगी आपको यही आपको दिखाऊंगा मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ने किया काम वो मैं बता रहा हूँ आपको। कितने रजिस्टर है बताओ? 4, जिसमें पी नोन है, क्यू नोन है, आर आपका वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल है रजिस्टर, और जो एस है वो क्या है? अननोन है। वो क्या है? अननोन है। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है इसका किसका? ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है कि ये वाला जो रजिस्टर है इस रजिस्टर का इस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन, इस रजिस्टर का इस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन अगर आप करो और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो इस बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। इस बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। जब बीच वाले में कोई करंट फ्लो ना हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। तो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन वो कंडीशन होती है जब ये जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर किस लिए लगा हुआ है ये भी आप लिख लो। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जिस डिवाइस से इसमें करंट कितनी फ्लो होगी ये हमको पता चलता रहेगा। गैल्वेनोमीटर लिख लो। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। ये डिवाइस करंट मीजर करने के लिए होता है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मीजर द करंट इन द सर्किट। अमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? सेंसिटिव। सेंसिटिव समझते हो? yes, अभी टर्म आएगा आगे। सेंसिटिव समझते हो? सेंसिटिव जैसे आपकी चमड़ी है, आपकी चमड़ी ये और भैंस की चमड़ी है। आप ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे अपने ना ऐसे करो थोड़ा सा अपने हाथों से जितना आप अपने लिए कर रहे हो उतना भैंस के लिए भी करना। आप अपने लिए ऐसे करो और भैंस के लिए भी उतना ही जाके करो तो आपकी चमड़ी या आप जल्दी से क्या सेंस कर लोगे कि यार मुझे कुछ काट रहा है? भैंस उतना जल्दी सेंस नहीं कर पाएगी। मच्छर उसे काटते रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपको थोड़ा सा काट ले तो कहने का मतलब है कि सेंसिटिव वो चीज है जो कि बहुत जल्दी बहुत कम से कम माइन्यूट करंट को भी क्या कर ले वो मेजर कर ले। माइन्यूट करंट को भी मेजर कर ले वो सेंसिटिव हो गए। और जैसे मान लो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और आपने ऐसा डिवाइस लगा दिया कि 1 मिली एम्पियर करंट मेजर ही नहीं कर पा रहा है वो तो क्या उसकी सेंसिटिविटी ठीक है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। आप ऐसा भाई इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? यस।
तो कम से कम ऐसा डिवाइस लगाओ जो कि उस करंट को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो सेंसिटिविटी, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करती है और करंट माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी मेजर करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? बहुत सेंसिटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस। अच्छा, अब देखो जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? लिखो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है कि प्रिंसिपल क्या है कि ये वाला पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा। ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा कब? जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ब्रिज क्या रहेगा? बैलेंस। ब्रिज मस्ट बी बैलेंस्ड व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी जीरो। करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो जाए तो ऐसी कंडीशन को बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन को बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन कहते हैं। बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं? बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन कहते हैं। बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन कहते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो। दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। इस कंडीशन को बैलेंस्ड ब्रिज कहते हैं। और ये जो है P by Q is equal to R by S, ये प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या है ये? प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। P by Q is equal to R by S. अब अगर आप ध्यान से देखो तो P into S is equal to R into Q हो गया कि नहीं हो गया? Yes. ठीक है, कैसे हम लोग चेक करते हैं? देखो इधर देखो, जब हमने यहां बैटरी से करंट I फ्लो कराया तो इधर गया I1, इधर I2, हमने इस स्विच S को क्लोज कर दिया तो ये जो I1 है, ये I1 इस जब B पॉइंट पे पहुंचा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक करंट चली गई IG इधर और दूसरी करंट चली गई I1 माइनस IG इधर। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर है जो कि वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं इस रजिस्टर को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ध्यान से समझो, इसको आप लिख लेना, आपने जो है ना जिसको पेपर बोर्ड का देना वो लिखेगा। इस बैलेंस, इस जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम लोग बैलेंस करते हैं और बैलेंस करते करते, बैलेंस करने का मतलब सॉरी बैलेंस करो एडजस्ट करते एडजस्ट करते 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 कैसे एडजस्ट करते हैं? वो एडजस्ट करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। भाई हमने यहां से करंट दिया, ये करंट I1 इधर गया, I2 इधर गया, तो कुछ ना कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा। मान लो कोई रजिस्टर आ रहा होगा जिसपे इसमें करंट IG गया, इसमें I1 माइनस IG गया। अब हम क्या करेंगे, किसको बैलेंस करना शुरू कर देंगे? इस R को क्या करना शुरू कर देंगे? एडजस्ट इस तरीके से करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो क्या हो जाए? जीरो। जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। ठीक है, और वही जैसे ही इसमें जीरो हो जाएगी ना करंट, वो तो फिर ये कंडीशन हो जाती है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड ब्रिज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें करंट हो गया जीरो, इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो कि हमारा एम भी है, वो एम हम लोग प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है, और उस तरीके से फिर इस एस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते कि क्या उस S की वैल्यू हो जिसपे कि ये ब्रिज क्या रहेगा? बैलेंस। ठीक है, क्लियर है? तो आओ देखो इसको प्रूफ करते हैं। लिखो प्रूफ इसका, इस वाले को, इसका जो प्रिंसिपल है उसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं।
देखो कैसे, इधर देखो फटाफट देख लो, यहाँ देखो लूप लूप ला यूज कर लेते हैं, यहाँ दो लूप है, एक लूप ये वाला है और दूसरा लूप ये है, तो ये लूप हो गया वन और ये लूप हो गया टू। किसी एक पॉइंट से चलो घूम के दूसरे फिर उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो देखो इधर चलते हैं हम लोग, ए से चले, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये है आपका, ए से चले इधर से होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए फिर ए पे पहुंच गए, तो ए से चले तो ये हो जाएगा वी ए माइनस आई टू आर, फिर यहां से इधर से होते हुए यहां पहुंचे गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है हाँ कितना जी और कितनी करंट फ्लो रही है आई जी, तो ये हो जाएगा देखो बी ए माइनस आई टू आर माइनस आई टू आर गैल्वेनोमीटर के पास पहुंचे, गैल्वेनोमीटर में करंट किधर से आ रही, नीचे की तरफ आ रही है, तो जाएगा हम किधर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव तो जाएगा प्लस आई जी आर होगा कि नहीं होगा, प्लस आई जी आर, आई जी आर सॉरी आई जी आर कह रहा हूँ, आई जी 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 क्या है गैल्वेनोमीटर में सॉरी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, आई जी ठीक है आई जी। अब कहाँ पहुंच गए देखो आई जी जी यहाँ पहुंचे, उसके बाद फिर इधर घूमना शुरू किए, इधर घूमेंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है पी, और करंट की डायरेक्शन में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस प्लस, तो पी इंटू आई वन हो जाएगा पी इंटू आई वन प्लस पी इंटू आई वन, और कहाँ पहुंच गए ये ठीक है, तो देखो बी ए कट गया, बी ए कट गया, क्या बचा यहां से देखो, ये बचा आपका पी आई वन माइनस आई टू आर प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ सेकंड में, इस वाले सेकंड में देखो कहां से चले, सेकंड लूप में घूमना है, कहां से चले बी से चलते हैं, बी से चलते हैं यहां से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए इस यहां पहुंच जाएंगे ना ठीक है, तो देखो यहां से चले बी से इधर 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 होते हुए यहां होते हुए यहां होते हुए यहां बी पे पहुंच जाते हैं, चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इधर देखो ये हो जाएगा आपका करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी, यस ठीक है, इसे हम लिख लेंगे सेकंड लूप के लिए, सेकंड लूप ये था फर्स्ट लूप के लिए, हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी, जी क्या है रेजिस्टेंस है किसका गैल्वेनोमीटर का, माइनस आई जी इंटू जी हो गया माइनस आई जी इंटू जी, यहां पहुंचे अब इसके पास आई जी प्लस आई टू इंटू एस, डायरेक्शन क्या है करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा आई जी प्लस आई टू इंटू एस हो जाएगा माइनस आई जी इंटू आई जी प्लस आई टू आई जी प्लस आई टू आई टू इंटू एस, यहां आ गए हम लोग, यहां पे देखो यहां जब पहुंचे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में और करंट है आई वन माइनस आई जी, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू प्लस के साथ, तो हो जाएगा प्लस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू बराबर, कहां पहुंच गए वीबी पे, कहां से चले थे वीबी से, कहां पहुंच गए वीबी, वीवी वीवी को खा गया, वीवी वीवी को खा गया, तो देखो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा आपका माइनस आई जी इंटू जी
माइनस आई जी प्लस आई टू इंटू एस प्लस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू बराबर जीरो, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बोलो चलेगा? यस सर। ठीक है अब लिखो, चूंकि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये तो प्रिंसिपल है उसका। यस सर। तो देखो यहां देखो, और वो किसकी कंडीशन है? बैलेंस ब्रिज की है। हमने आर को एडजस्ट किया, एडजस्ट किया, एडजस्ट किया, कब एडजस्ट किया, कब तक एडजस्ट किया, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या ना हो जाए, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर में करंट को कर दो जीरो, गैल्वेनोमीटर में करंट को कर दो जीरो। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो करोगे बच्चे, गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो करोगे, देखो किसमें जीरो करोगे? गैल्वेनोमीटर में। क्यों? क्योंकि किसके लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं? बैलेंस्ड ब्रिज के लिए। तो लिखो फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, लिखो फॉर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, कंडीशन आई जी इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों इक्वेशन में आई जी की वैल्यू जीरो पुट करो, इन दोनों इक्वेशन में आईजी की वैल्यू जीरो पुट करो। तो जब आईजी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा पी इंटू आई वन माइनस आई टू इंटू आर, आईजी की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा आपका पी आई वन इज इक्वल टू आई टू आर, होगा कि नहीं होगा? या आप लिख सकते हो कि I2 by I1 is equal to I2 by I1 is equal to P upon R, चलेगा? I2 by I1 is equal to P upon, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे आई जी की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया जी सर। तो आई जी की वैल्यू जो हमने जीरो पुट कर दिया तो ये हो गया टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो गया। इसका मतलब अच्छा पी आई वन माइनस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो, पी आई वन इज इक्वल टू आई टू आर, आई टू अपन आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन उधर चला जाएगा तो आई टू अपन आई वन इज इक्वल टू पी अपन आर। ठीक, अब यही सेम कंडीशन बैलेंस्ड ब्रिज की आप इसमें आईजी की वैल्यू पुट कर दो सेकंड वाले में। तो जब हम सेकंड वाले में आईजी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, आईजी इज इक्वल टू जीरो फॉर सेकंड इक्वेशन, पुट आईजी इज इक्वल टू जीरो, पुट आईजी इज इक्वल टू जीरो इन सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में बताओ क्या आया, IG की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, क्या आया बोलो? देखो IG जीरो पुट करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वाला सिर्फ यहाँ क्या बचेगा I2 लेकिन माइनस के साथ, तो बचेगा माइनस आई टू एस और प्लस आई वन क्यू बराबर जीरो, IG भी जीरो हो जाएगा। पुट करके देखो जाएगा माइनस आई टू एस, माइनस आई टू एस प्लस आई वन क्यू बराबर जीरो। तो देख बच्चे आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर हम आई टू अपॉन आई वन देखें तो क्या मिलेगा हमको, क्यू अपॉन एस, क्यू अपॉन एस। और यहां देखो
आई टू अपन आई वन की क्या वैल्यू आई है? पी अपन आर। और वहां से आई टू अपन आई वन की क्या वैल्यू आई है? तो देखो हम इसे लिख सकते हैं, I2 upon I1 को P upon R लिख सकते हैं, is equal to Q upon S लिख सकते हैं ना। या इसे एक टर्म देखो, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q को नीचे ले जाओ R को ऊपर ले जाओ, तो P upon Q is equal to R upon S लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. या हम इसे अगर चाहें तो S is equal to क्या लिख सकते हैं? देख बच्चे, S is equal to लिख सकते हैं R Q upon P, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes sir. ये हो जाएगा S is equal to R by P into Q। क्या आप इससे S की वैल्यू नहीं निकाल सकते? Yes sir, निकाल सकते हो ना, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे देखो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P into S is equal to R into Q। यही आप करते हो, ध्यान से देखो, और मैंने सिखाया भी था आपको कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो P into S is equal to R into Q। ये कौन सी कंडीशन है? बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। आपने इसे कब प्रूफ कर, आप इसे कब प्रूफ कर पाए? जब आप इसमें करंट को क्या कर दिया था? जीरो। जीरो। आप इसमें करंट जीरो कर पाए तभी आप उसको प्रूफ कर पाए कि P इंटू एस R इंटू क्यू के बराबर होगा। तो जब इसमें करंट जीरो हो गया, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? बराबर। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। जीरो, करंट जीरो हो गया इसमें, इसीलिए आप इसे कट करके क्या कर देते हो न्यूमेरिकल जब बनाते हो तो? हटा देते हो। तो ये वाला सीरीज में हो जाता है, ये वाला सीरीज में हो जाता है, इसलिए आप कर पाते हो, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन P into S is equal to Q, R into Q, ये अप्लाई करते हो आप हर क्वेश्चन में, करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. यही करते हो आप काम, यही आप वहां पे काम करते हो, ठीक है, ये काम आप वहां करते हो। क्लियर है? Yes, यही आप करते हो वहां पे, इसलिए इस बीच वाले का करंट आप, इस बीच वाले का जो वो है क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है, वो काट करके बाहर कर देते हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई, अब देखो यहाँ आपको S भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में, P भी दे दिया जाता है, R भी दे दिया जाता है और Q भी दे दिया जाता है। तो आप देखते हो कि इस R को Q से मल्टीप्लाई करके और P को S से मल्टीप्लाई करके क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप कहते हो कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होता तो आप उसे कट करके बाहर कर देते हो। ये तब कर पाते हो जब आप जानते हो कि ये कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन। तो बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन कोई आपसे पूछे कि बैलेंस्ड ब्रिज की क्या कंडीशन है, तो आप क्या बताओगे? बैलेंस्ड ब्रिज की क्या कंडीशन है, करंट इन गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? जीरो होगा, और पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर होगा, या अपोजिट साइड के जो रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा? इक्वल बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, या आमने सामने के जो रेजिस्टेंस है
उन रेजिस्टेंस का जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने के रेजिस्टेंस का गुणनफल बराबर होगा। ये होता है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। और इसी कंडीशन का, इसी बैलेंस्ड ब्रिज का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आता है मीटर ब्रिज में। किसमें? मीटर ब्रिज। तो लिखो मीटर ब्रिज। क्या एक आध क्वेश्चन इस पे दे दें हम आपको? किया तो है ही है आप लोगों ने ना, नहीं किया है आज दे दूं? लो अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, थोड़ा देखो इसे फटाफट। देखो तो उसी पे है कि अलग है? ये लो, दो चार दो चार दो चार दो 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 चार 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 बारह वोल्ट की बैटरी। टर्मिनल बहुत ध्यान से देखना किस टर्मिनल पे है। यह है दो ओम, दो ओम, दो ओम, चार ओम, चार ओम, चार ओम, यह है वन ओम, वन ओम, बारह वोल्ट की बैटरी हो गई है, 12 वोल्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सब्जेक्टिव नहीं है, है आपका एडवांस का 2012 एडवांस, 2012 एडवांस। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये है टर्मिनल पी, ये है क्यू, ये है एस, ये है टी। क्वेश्चन लिखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन है द करेंट थ्रू पी क्यू इज जीरो। पहला ऑप्शन है करेंट थ्रू पी क्यू, थ्रू पी क्यू इज जीरो, पहला ऑप्शन हो गया। करेंट थ्रू पी क्यू इज जीरो, करेंट थ्रू पी क्यू इज जीरो, पहला ऑप्शन हो गया। इसमें करेंट आई वन फ्लो करा रहा है वो क्वेश्चन में, तो बी ऑप्शन कह रहा है आई वन की वैल्यू 3 एम्पियर है। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये? चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन ऑप्शंस दोनों भी हो सकते हैं। द पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट एट क्यू। एस कहां पे भाई? अच्छा सी, द पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एस इज लेस देन क्यू। डी ऑप्शन है, यहां I2 करंट फ्लो करा रहा है, I2, I2, तो कह रहा है कि D ऑप्शन में I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। चलो देखो बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। बन जाएगा बच्चे?
हर क्वेश्चन में जितना ये समझ लो एक तरीके से सारा क्वेश्चन ही है, ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है, ये सारा क्या है, क्वेश्चन है। जैसे ही मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीपल में। तो सारे ऑप्शन में ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सब पे ध्यान देना है आपको। तो कहने का मतलब है कि पहले तो आपको देखना है कि करंट पी क्यू में जीरो है कि नहीं है, करंट थ्रू पी क्यू, पी क्यू इज जीरो, क्या करंट थ्रू पी क्यू जीरो है? यस पी क्यू जीरो है, पी क्यू जीरो है। करंट थ्रू पी क्यू क्या है? जीरो है। ए बी सी है, पी क्यू नहीं। So, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सारे अच्छा वो मैंने डी वाला अच्छा। देखो भाई इधर शुरू करते हैं, इधर ध्यान से इस सेगमेंट को देखो, इस वाले को मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कुछ है, यहाँ का कुछ है, ठीक है। इसमें करंट I1 फ्लो हो गई, इसमें I2 हो गई, ठीक। अब देखो, अगर इसे देखो ध्यान से, यहाँ देखो इस वाले सर्किट, इस वाले को देखो, इस वाले को, सिर्फ इस सेगमेंट को देखो, इस वाले को, इस वाले को। ये हो गया आपका चार दुना आठ, और ये हो गया चार दुना आठ, हो गया आमने सामने का, ये इसके सामने का, ये इसके सामने का, बोलो ये इसके सामने का, ये इसके सामने का। तो देखो इसमें करंट क्या होगी, जीरो, चार दुना आठ और चार दुना आठ, तो ये करंट क्या हो गई, जीरो, कट करके हटा दे। अब देखो ये जब कट करके हटाओगे, इसे इसे जब कट करके हटाओगे, तो अब ये दो एम्पियर और सॉरी ये दो ओम किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो दो तो मिलके कितना हुआ, चार, ये हो गया आपका चार, और ये कितना हो गया नीचे वाला आठ, हो गया कि नहीं हो गया? तो वो हो गया चार और ये हो गया आठ, ये हो गया आठ। अब देखो आठ नीचे वाला, चार ऊपर वाला, आठ दुना सोलह और चार चौका सोलह, ये वाला भी हटा दो। इसका मतलब इसमें करंट क्या आएगा, जीरो। तो पी क्यू में करंट जीरो, पहला ऑप्शन सही। यस। तो जब हमने इसको कट करके हटा दिया, क्योंकि पी क्यू में करंट जीरो है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये टू ये टू ये टू तीनों किसमें है, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिक्स ओम, और नीचे वाले का इक्विवेलेंट ट्वेल्व ओम और 12 वोल्ट की बैटरी। ये 12 ओम, ये 6 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी। यहाँ करंट है आई वन और यहाँ कितना है आई टू, अगर यहाँ आई टू है तो यहाँ पे भी तो आई टू ही होगा। यस ठीक है, आई टू
12 6 का इक्विवेलेंट 4 यस सर तो ये हो जाएगा 4 4 ओम और यहां 12 वोल्ट की बैटरी इसमें करंट है I1 तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4 I1 कितना आ जाएगा I1 आ जाएगा आपका 12/4 एम्पियर 3 एम्पियर आया कि नहीं आया यस सर ठीक I2 देखो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ रहा अब इसके क्रॉस 12 है तो इसके क्रॉस भी तो 12 ही होगा यस सर यहां देखो यहां 12 है ये 12 है तो ये वाला 12 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये वाला भी 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो बताओ कितनी करंट इसमें फ्लो होगी 2 एम्पियर I2 is equal to कितना हो जाएगा 12/6 यस सर 2 एम्पियर I2 2 एम्पियर हो गया अच्छा द पोटेंशियल एट S is less than Q S पे जो पोटेंशियल होगा यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो Q से क्या होगा छोटा होगा छोटा कि नहीं होगा ऐसा क्यों नहीं कहेगा देखो कैसे यहां 12 है अरे है कि नहीं 12 यार यस सर इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I2 यस सर क्यों नहीं है तो क्या P का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते Q और सॉरी क्या कह रहा Q का मतलब पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q ओके तो S का पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा ये वाला मान लो 0 है तो इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है ना यस सर और I2 कितना है 2 एम्पियर यस सर ये S का पोटेंशियल हो गया तो चलो S का पोटेंशियल निकालते हैं तो S का पोटेंशियल निकालते हो तो S से चले और यहां पहुंच जाए यस सर तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल S का पोटेंशियल हो जाएगा S का पोटेंशियल हो जाएगा 2 into 2 4 होगा क्या यस सर 4 वोल्ट ठीक Q का पोटेंशियल करने के लिए देखो आपको आपको कुछ नहीं तो सब कुछ पूछ लिया उसने Q का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए इसमें करंट चाहिए कि नहीं चाहिए यस सर तो कितनी करंट बहेगी इसमें अब I1 अगर 3 एंपियर आ रहा है 3 एंपियर आ रहा है और I2 आपका 2 एंपियर है इसका मतलब है ये 1 एंपियर हो जाएगा यस सर तो इसमें करंट आएगी 1 एंपियर तो आपसे Q का पोटेंशियल पूछ रहा है तो 12 माइनस Q तो Q की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4 तो Q का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या 12 माइनस 4 इज इक्वल टू Q चलेगा यस अरे यहां से चलो यहां पहुंच जाओ Q पे यस सर तो ये हो गया 12 माइनस 4 I की वैल्यू है 1 तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू Q तो Q कितना आया 8 वोल्ट और S कितना आया 4 वोल्ट तो क्या ये वाला भी ऑप्शन सही है द पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q Q पे 8 वोल्ट है और S पे 4 वोल्ट सारे ऑप्शन क्या हैं करेक्ट हैं ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन ठीक है